लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सलीम, 10-12 अंडे की भुर्जी और 5 आमलेट, 2 लादी पाव फटाफट अपनी गाड़ी में भेज दे। मामा, भूख लगी है। मां, कुछ खाना खिला दो साहब, मेरा बच्चा बहुत भूखा है साहब, मैं पाव पकड़ता हूँ साहब। मदद मदद तो सिर्फ खैरनार सेठ ही कर सकता है, अगर उसका दिल आ जाए तो। बहुत दयालु है सेठ खैरनार। सैटरडे नाइट चल जा, इधर खड़े खड़े क्या कर रहे ला बाप, चल जा आंटी के पास जा, अपुन का नाम बोल, बॉल खेलना ने 2 बोतल स्ट्रॉन्ग बियर मंगाई ला, चल जा निकल जा। अबे चल निकल जल्दी, बोतलों की लाइन लगी है बाप। अरे बोतल का छोड़ यार, खाने का क्या हो रहे ला, यहाँ सीना जर रहे ला यार। खाना तो आ ही गया है सेठ, अब ये तुम्हारी पसंद के ऊपर है, खुद ही देख लो।
भाई साहब, दो दिन से कुछ नहीं खाया साहब, इसे कुछ खाना खिला दो साहब, भगवान तुम्हारा भला करेगा साहब, कुछ मदद करो साहब, मैं भीख मांग रहा हूँ तुम्हारे पास साहब। भैया गाँव से आयला, जबी भगवान का बात कर रहेला, ए इधर भगवान का बात नहीं करने का, कभी नहीं करने का, इधर शैतानों का बस्ती है, शैतानों का बस्ती में भगवान का कोई काम नहीं है, इधर हर एरिया में एक भगवान है, क्या अपन भी इस एरिया का भगवान है, एरनार रीगल से लेकर वीटी तक का अपन का एरिया है, क्या समझ गया कि नहीं, कुछ भी तपली कोएगा अपन को बोलने का, क्या समझ गया कि नहीं, चले रमिया इसको लेके जा, चल बे चल, अबे जरा सबर कर यार, बात तो सुनेगा कि नहीं, चल चल बोल रहे ला यार, जरा मुर्गी उर्गी दिल्ली दरबार का अपना, समझ गया कि नहीं, अच्छा बेटा तुम लोग यही रहो, मैं तुम्हारे लिए भरपेट खाना लेके आता हूँ, अच्छा भगवान मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, चल निकल जा जल्दी फंस जा, चल सैटरडे नाइट होल टाइम, बहुत भूख लगे ला है ना, अपन को भी बहुत भूख लगे ला है, अरे तेरा थोपड़ा तो बहुत खूब नाटक कर रहे लिए, हाँ शांतपति नहीं करने का, क्या मैं क्या कर रहा तेरे को, ये देख हाथ लगाया, कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या तेरे को, कुछ नहीं ना, ये देख हाथ लगाया, ये हाथ लगाया, ये देख, अबे अरे अरे नाटक कर रहे लिए, ये देख नाटक नहीं करने का अपन से, अभी बच्चे किधर जाएगी तू खेर मार से, अरे तेरी बच्चे नहीं जा सकती है, अभी तो तेरी राजी रानी का मार, मेरे को मारा तूने, अपन को मारा तूने, खेरनार को मारा, ए देना। चल फुट, पाव चाहिए, भाग यहाँ से। नहीं सेठ, देना पाव। जाता है कि नहीं? खाली पिली तंग करने चले आते सुबह सुबह। अभी डालता हूँ पानी तेरे पे। भाग यहाँ से। बहुत भूख लगी है। चल फुट। पाव दे। मामा साला पानी फेंकते हैं। चंदा नहीं देगा साला इसकी जात की मैं। चंदा चंदा चंदा, अरे किस बात का चंदा? अरे जब देखो कभी होली का चंदा, गणपति का चंदा नहीं देता मैं चंदा वंदा, मुठा चले आते हैं चंदा। बराबर है, त्योहार तो सब खत्म हो चुके हैं, किस बात का चंदा ये? बर्थडे मामा।
बर्थडे का चंदा है। बर्थडे का चंदा है, बर्थडे बर्थडे बर्थडे। तुम्हारे भाव का राज है क्या? नहीं देता मैं चंदा वंदा, जो चाय कर लेना मेरा तुम लोग। मामा, मामा बोलता है मेरी शादी नहीं अब तक। मामा कैसे होएगी भी नहीं, चल चंदे की बात कर। नहीं देगा, हर किस नहीं देगा। नहीं 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 देगा, नहीं। अरे दादा मामा, काय को छोकरे लोग के मुंह लग रहा है, देदा के हटा, बहुत डेंजर लोग है ये। डेंजर लोग साला, डेंजर लोग का मजाक उड़ाता है। तोड़ू क्या तेरा, तोड़ के बता साला। अरे 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 रुको रुको, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारे लिए तो चंदा निकाल के रखा मैंने। ये लो, आ गया ना लाइन पे। मगर देखो बेटा, अभी मुझे मामा जी मत बोलना, क्या है कि मैं अभी कुंवारा हूँ ना, मेरी शादी नहीं हुई ना। अब तुम लोग जाओ, खूब जाके धूम मचाओ, जाओ मचा। थैंक यू मामा जी। भाजी दाल में मजा नहीं, जो ना हो मिर्च मसाला। मालक चाबी ने खोल दिया, अब अपनी किस्मत का ताला। तो कुछ करे भिड़ू, लेकिन क्या हंगामा करो, हंगामा हंगामा करो, हंगामा। ओ तेरी मम्मी का भाई तेरा मामा, हंगामा करो हंगामा। ओ तेरी मम्मी का भाई तेरा मामा, तेरे भाई को सलाम, तेरी माई को सलाम, तेरे भाई को सलाम, तेरी ताई को सलाम। अरे बंद करो ये या हंगामा करो। लिए ही तो हमको टपोरी कहता है ये सारा जमाना। कैसी बातें तुम हम करते हो, हल पिल्ले धमाल करते हो। छोड़ो धंधा फसाद करो अक्कल की बात, छोड़ो धंधा फसाद करो अक्कल की बात। आदमी हो क्या तुम पे जामा, हंगामा करो हंगामा। तेरी मम्मी का भाई तेरा मामा, हंगामा करो हंगामा।
हंगामा करो हंगामा, तेरी मम्मी का भाई तेरा मामा, तुझे आईचा भौरे तुझा मामा, तेरी मम्मी न भाई तारो मामा, तेरी मम्मी दबरा तेरा मामा, हंगामा करो हंगामा, तेरी मम्मी का भाई तेरा मामा। क्या रे मामा, लड़कियों को छेड़ता है क्या? तेरी तो हाय 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 रे, क्या जवानी है तेरी। मालूम था कि तू बीच में टपकेगा। अरे मोहब्बत के दुश्मन, तू नहीं चाहता कि हमारी शादी हो, एक छोटा सा परिवार हो। देख राजा, हम दोनों एक साथ एक ही दिन शादी करेंगे और लड़की भी तेरे लिए मैं ही ढूंढूंगा यार। अबे शादी की छोड़, ससुराल जाने की तैयारी कर भाई। चलो तुम दोनों को चौकी पे बुलाया, सिंह साहब नया साहब आया है, बहुत कड़क आदमी है, चलो। चौकी? चौकी लेकिन क्यों? लेकिन भाई अपुन का कंप्लेंट क्या है? वो सब जाके सिंह साहब को पूछने का। तुम दोनों अपने आप को डोंगर बस्ती का दादा समझते हो? लफड़े झगड़े कराना, लोगों को सताना, जबरदस्ती चंदे वसूल करना, तुम दोनों का बहुत कंप्लेन है मेरे पास। जय किसका नाम है रे? मेरा साहब। तू साला डोंगर बस्ती का रोमियो समझता है अपने आप को? नुक्कड़ पे बैठ के दिन भर लड़कियों को छेड़ता है? नहीं साहब। चुप। और तू राजा, कहां का राजा रे? बहुत बड़ा तुर्रम समझता है अपने आप को? जेपी का डंडा पड़ेगा ना तो पूरी की पूरी दादागिरी निकल जाएगी तुम दोनों की। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, अगर दोबारा कंप्लेन आई तो तुम दोनों को तीन तीन महीने के लिए अंदर करवा दूंगा। ले जाओ। कंप्लेंट किसने लिखाई थी? मालूम नहीं। कंप्लेंट किसने लिखाई थी? मामा ने। मामा। ये साला अपुन का कंप्लेंट लिखाया तो किसने लिखा? भिड़ू, अपने को तो एक आदमी पर फुल डाउट है। क्या? कौन है वो? जरा अपने को नाम तो बता, साले के हाथ पैर तोड़ डालेंगे। नहीं नहीं, हाथ पैर नहीं यार, उसके तो छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौवे को खिला देना चाहिए। हाँ, और वैसे भी वो हवलदार अपुन का दोस्त निकला। साला बोल रहा था कोई मोटा आदमी था। मोटा? ये मोटा कौन हो सकता है? हाँ, ये मोटा कौन हो सकता है बताओ तो? है साला अपुन का कोई दुश्मन? अरे यार, तुम लोगों का दुश्मन तो अपन का दुश्मन, आपने वो बताओ हाथ पैर तोड़ के डाल देगा। ए मस्कल, देख मस्कल। ये तो वक्त ही बताएगा मामा के कौन किसके हाथ पैर तोड़ेगा। अरे फटाफट पान लगा यार, क्या हिल रहा है यार। अरे मैं मर गया मां। अरे बाप रे, कोई है लगता है। ये पैसा पकड़ पान, मैं बाद में खा लेता हूँ। अरे
मैं गरीब आदमी जी, अयो मेरे को मत मारे जी, अयो यो मैं बर्बाद हो जाएंगे जी। उखाड़ कर फेंक दो साले की दुकान को। मत तोड़ जी, अयो मैं गरीब आदमी। यो जामी नहीं ना, यो। मियाँ को जो जगह पसंद आती है, वो उसे छीन लेता है। अब इस जगह पर कब्जा हमारा है, और बहुत जल्द यहाँ दारू का अड्डा खुलने वाला है। किसी को कोई एतराज है? हमें एतराज है। कौन हो तुम? हम यहाँ के बेताज बादशाह हैं। अगर किसी ने चालाकी की तो मैं इस जापानी पिस्तौल से इसका भेजा उड़ा दूंगा। देखा, इसे कहते हैं जापानी पिस्तौल का कमाल। हे, चल अपने पंटर लोग को ले, काली पीली में बैठ के निकल ले, चल, वरना बाल मुंडवा कर, गधे पर बैठा कर, कालिक लगाकर, बस्ती में घुमाकर, देवी माँ के मंदिर के सामने खंबे पर लटका कर बहुत मारूंगा, चल। तुम दोनों ने अपनी जिंदगी को ठुकरा कर मौत को गले लगाया है, और अब उसका इंतजार करो। अपुन अपनी जिंदगी देवी माँ के नाम दान किया है, मर जाएंगे लेकिन इस मंदिर के आगे दारू का अड्डा नहीं खोलने देंगे। साला पुलिस का फड़वा था, पुलिस के फड़वे और पुलिस के कुत्ते ऐसा मरते। फेंक दो साले को किसी खाड़ी में। बाबा, अपने गोरेगांव लक्ष्मीनगर झोपड़पट्टी वाले क्लब में फिर से पुलिस की रेड गिरी है। रेड, पुलिस, साला खेनार के साथ रह के इतना भी नहीं सीखा तू? टुकड़ा फेंक टुकड़ा, समझा के ना आई? कुत्तों के आगे टुकड़ा फेंकेगा ना तो कुत्ता खुद बखुद दुम हिलाकर अपना रास्ता बदल देगा। हे रमिया, वो डोंगर वाली जगह का क्या हुआ? बाबा, बाबा वो जगह पर नहीं मिला ना। पर खेनार को ना सुनने का आदत नहीं है, समझा के नहीं? बाबा, बाबा वो दो छोकरे, छोकरे गली के लौंडे, गली के लौंडे तुम लोगों पर भारी हो गए ले, खेनार का नाम डुबो रहे ले तुम लोग। हाँ, जरा मैं भी तो देखूं वो कौन है। अरे कौन है वो, मैं भी तो देखूं।
झटका, ये खेरनार का झटका है। डर गए बचकुंडे, इस एरिया में अपन से सब डरता है, खेरनार से सब डरता है, पूरा एरिया डरता है। तुम जैसा महिला कुचेला लड़कों के सामने खेरनार खड़ा हो ना, अपन का बेइज्जती समझता है। ए, जा पानी मार, जरा थोपड़ा तो दिखा इसका। बचकुंडे साले चिकने हैं। इसको क्या बोलता है जानता है? घोड़ा बोलता है, घोड़ा। क्या घोड़ा बोलता है? अपने लिए ये हैंडबॉल है, अपुन हैंडबॉल की तरह खेलता है। तुम लोग फुटबॉल खेलता है ना, अपन हैंडबॉल खेलते हैं। अपन का एरिया में ज्यादा डेरिंग बाजी नहीं मांगता है। वो शनपति नहीं करने का, नहीं तो ऊपर से नीचे तक चीट डालेगा, खून डालेगा। खेलना रे अपन संजय के नहीं, पूरा एरिया डरता है। बात समझ में आता है कि नहीं? चल फुटबॉल खेल, चले चल। हेलो, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मेरे पास आपका कार्ड है, मैं पहुंचती हूँ। ओके।
और हाँ वैसे आज मैं टोटली फ्री हूँ, एक काम करते हैं शाम को हम लोग किसी 5-स्टार होटल में मिलते हैं, सी रॉक में मिलते हैं, ओके? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मिलना है होटल में एक लड़की से, यारो मुझे बस आज बचा लो पैसों की कड़की से, किया इशारा रे उसने भी खिड़की से, यारो मुझे बस आज बचा लो पैसों की कड़की से, तिरछी तिरछी बाकी नजर से उसने मुझको देखा, उसकी मेरी मिल गई देखो किस्मत की रेखा, तिरछी तिरछी बाकी नजर से उसने मुझको देखा, उसकी मेरी मिल गई देखो किस्मत की रेखा, तुम चाहो तो जम सकती है उसकी मेरी जोड़ी, अरे दूल्हा बन के चढ़ सकता हूँ मैं भी कोई घोड़ी, ओ किया इशारा रे उसने भी खिड़की से, यारो मुझे बस आज बचा लो पैसों की कड़की से, शाम को मिलना है होटल में एक लड़की से, यारो मुझे बस आज बचा लो पैसों की कड़की से, से कितना दाना डाला तब मुर्गी पटी है, वरना कुकड़ू कुकड़ू करते रातें मेरी कटी है, कब से कितना दाना डाला तब मुर्गी पटी है, वरना कुकड़ू कुकड़ू करते रातें मेरी कटी है, हाय बड़ी मुश्किल से मिली है मुझको ये अमानत, फंस गया जो लफड़े में तो देना तुम जमानत, ओ इशारा रे उसने भी खिड़की से, यारो मुझे बस आज बचा लो पैसों की कड़की से, शाम को मिलना है होटल में एक लड़की से, यारो मुझे बस आज बचा लो पैसों की कड़की से, उसको लेकर जाऊंगा जब 5-स्टार कोई होटल, खाने पीने में होगा फिर सोचो कितना टोटल, उसको लेकर जाऊंगा जब 5-स्टार कोई होटल, खाने पीने में होगा फिर सोचो कितना टोटल, बिल के आते ही आएगी फिर बड़ी कयामत, यारो तुम जो साथ न दो तो होगी मेरी हजामत, बात में
मेरी सुन लो, कुछ दे दो जल्दी से यारो, मुझे बस आज बचा लो पैसों की कड़की से। किया इशारा रे उसने भी खिड़की से, यारो मुझे बस आज बचा लो पैसों की कड़की से। अरे काका क्या ले यार, बढ़िया। अच्छा अरे काका यार सुन, मैं तेरे को ही मिलने आया खास तौर से। काय को यार? हाथ नीचे। अरे यार बस्ती में जो लड़की है ना यार, बसंती बसंती, वो तेरे पे मरती है, मेरे को ऐसा डाउट है यार। क्यों बोलता हूँ, क्यों बोलता तू? सुन वो क्या है कि मैं उस दिन उधर बैठा था, वो अपनी सहेलियों के साथ बैठकर तेरे बारे में बात कर रही थी यार। क्या? कसम से वो ये बोल रही थी यार, वो अपने को काका बहुत पसंद है, कितना स्वीट। अच्छा बोल रही थी ना? अरे सही में एकदम फर्स्ट क्लास बोल रही थी यार। जमाना यार। मैं जमाऊं क्या? हाँ जमाना। सही में बोलूं? हाँ सही में। हाँ? देख काका क्या है कि मामला लड़की का है, अब तेरा भी कोई रुबाब है कि नहीं? लेकिन मैं कपड़े नहीं दूंगा। नहीं देख, नहीं समझ गया यार तू? यार काका जब तू समझ ही गया तो मेरे को जरा दे देना यार प्लीज, एकदम इमरजेंसी है यार। देखो तुम लोग कपड़े लेके जाते हो, वापस नहीं लेके आते। अरे कौन? अरे वो मोटा लेके गया, अभी तक वापस नहीं लेके आया। वो मोटा? हाँ, मामू। हाँ, अरे तू मामा जैसे आदमी को कपड़े देता है? काका कसम से यार एक दिन में दूंगा यार, एक दिन में यार। लेकिन जमाएगा ना? एकदम जमाऊंगा। वादा? यार, वादा यार। चल लेके जा। थैंक यू। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे दोबारा मिलोगी। तुम्हीं ने तो कहा था अगर मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी तो तुम अपने डैडी के पास वापस चले जाओगे। वैसे भी हम लोगों को मिले 8 ही घंटे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे को 8 साल से जानते हैं। लेकिन इन 8 घंटों में तुमने अपना नाम ही नहीं बताया। तुमने पूछा ही नहीं। वैसे मेरा नाम जय है। जय? अच्छा नाम है। सर एनीथिंग एल्स? नो, बिल, बिल प्लीज। यस सर। 1 मिनट, 2 आइसक्रीम्स। यस मैम। आइसक्रीम? नॉट 2 आइसक्रीम्स, जस्ट 1 आइसक्रीम। जुकाम, जुकाम है मुझे। तो कैंसिल कर दो। यस मैम। वैसे भी तुमने कुछ खाया ही नहीं। वो क्या है कि आजकल मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। कुछ और मंगाओ? नहीं बस, एक बात बताऊं जे, तुम्हें देखकर कुछ अपनापन सा लगता है। मुझे भी लगता है। क्या मौसम है, ब्यूटीफुल। चलो जे भीगते हैं, कम ऑन लेट्स एंजॉय। क्या एंजॉय, और वो भी सर्दी के इस मौसम में भीग कर? ना बाबा ना, तुम भीगो, मैं तो म्यूजिक सुन।
देखो और मर साले को, और मर साले को। और मार साले को। तुझे पहले एक कहा था, तूने जिंदगी को ठुकराकर मौत को गले लगाया है, अब उसका इंतजार कर। मैंने पुलिस केस हो जाएगा, तो एक काम कर, डॉक्टर मेहता को ले आए यहां पर, मैं देखता हूं रम्या को। रम्या, बाबा, बाबा। हाँ बोल। कल रात राजा ने अपना पूरा क्लब तोड़ डाला और गल्ले का सारा माल भी लूट लिया। तो ये बात तूने मेरे को रात को काय को नहीं बोला? लेकिन आप गहरी नींद में सो रहे थे बाबा। आप गहरी नींद में सो रहे लेते। झटका। साला खेरनार को झटका। ए, कितना माल था रे गल्ले में? कुछ 20-25 हजार। 20-25 हजार का कोई गम नहीं है। 20-25 हजार का तो खेरनार गाड़ियों में पेट्रोल डाल देता है, मगर ये खेरनार का इज्जत का सवाल है, इज्जत का सवाल। ए, फोन कर, क्राइम ब्रांच में फोन कर और राइटर से मेरा बात करा। हेलो, हाँ रायकर, खेरनार बोलता है। हाँ बाबा बोलो। आज अपन एक को और टपका रह लाए, जरा संभाल लेना। अरे बाबा ये क्या कर रहे हो, कुछ दिन ठहर जाओ। तुमसे पहले कहा है मैंने, वैसे भी दो चार के चलने हैं तुम्हारे ऊपर, और फिर हम किस लिए हैं? तुम एक काम करो, साले का नाम बता पता मेरे पास भेज दो, लॉकअप में डाल के तोड़ डालूंगा। ठीक है चलेगा, मगर 24 घंटे के अंदर मेरे को राजा मांगता है, समझ गया कि नहीं? अबे तू यहां बैठा है? साला पुलिस तेरे को सुबह से ढूंढ रही है यार। जानता हूं, लगता खैरना ने काफी माल दबाया। एक काम कर राजा, तू 2-3 दिन के लिए एरिया से गुल हो जा, मैं तेरा जामिन वामिन का चक्कर चलाकर तेरे को कोर्ट में हाजिर करा देता हूं। ये साला सब लफड़ा उस छोकरी की वजह से हुआ है, ना ही उस दिन तू उस छोकरी को मिलने जाता और ना ही रमिया तुझे अकेले पाकर तुझ पर वार करता। देख राजा, मैं जानता हूं कि तू लड़कियों के नाम से भी चिढ़ता है, लेकिन मैं उसे प्यार करता हूं यार। प्यार? कौन सा प्यार?
जिस दिन उसे तेरी असलियत का पता चलेगा उस दिन देखता हूं तेरा प्यार। पर मुझे अपने प्यार पर भरोसा है यार। भरोसा? देख जय, ये बड़े घर की लड़कियां हम जैसों को रास नहीं आती। अरे तू खाली पीली उस लड़की के पीछे पड़ा है, ऐसी बात करता है जैसे तीन चार लड़की पटा कर छोड़ दियो। अरे कभी लड़की पटी है क्या तेरे से? पटी है क्या? बात करता है साला। अरे टीना तुम? हेलो टीना, ये मेरा दोस्त है राजा। हाय। अजीब आदमी है। चलता है साला। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, सनकी है सनकी, लड़की के नाम से एलर्जी है। वैसे तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई आज? अपनों को याद थोड़ी ना किया जाता है। बंद करो, बंद कर साला। अपुन को बोलता है, अपुन को छोकरी नहीं पटेगा है? यो रोज एक पटाएगा, रोज उसकी तो मैं समझता क्या अपने आप को है? क्या समझता है? एक नहीं दस पटाऊंगा, रोज एक पटा के लाऊंगा सारा। समझता क्या अपने आप को? ऐसा ऐसा चुटकी में पटा सकता हूं, जितनी मंगतियां पटाऊंगा सारा। समझता क्या अपने आप को है? क्या समझता अपने आप को? खाली वो एक है सारा, मैं भी पटाके दिखा सकता हूँ। ऊपर से लिखा क्या लाया क्या कि खाली वही छोकरी पटाएगा है? मुझे ये जबरदस्ती पसंद नहीं है, छोड़ दो मेरा हाथ। अपुन जिस हाथ को पकड़ लेता है उसे छोड़ता नहीं, चाहे उसके लिए जबरदस्ती भी करनी पड़े। ए, और अपने को जबरदस्ती पसंद नहीं। तू? हाँ मैं। जब मैं तेरे बाप से नहीं डरा तो तेरे से क्या डरूंगा? चल अगर आप मुझे घर तक छोड़ दे तो बहुत मेहरबानी होगी। उस लड़के का कुछ भरोसा नहीं, वो मुझे रास्ते में फिर से परेशान कर सकता है। हाँ वैसे तो मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन आप मजबूर हैं इसलिए मैं आपका साथ दे सकता हूँ। थैंक्स। बाबा रायकर का फोन है। हाँ रायकर, खेनार बोलता है। राजा अभी तक अंदर काय को नहीं हुआ? बाबा राजा को हमने गिरफ्तार कर लिया है। साले को तोड़ डालो लाकब में, और इतना तोड़ो के कभी किसी को तोड़ नहीं सके। शाना बनता साले, शाना बनता। कितना माल बना क्लब में घुस के पैसे लूटता। आज के बाद तू दादागिरी नहीं करेगा साले, आज के बाद तू दादागिरी नहीं करेगा। अरे साहब अंदर की बात तो ये है कि पिछली गली वाली गंगूताई है ना, उसकी उसकी लड़की भी देती है। अच्छा? हाँ दुनिया को बांट रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम जाओगे ना तुम्हें भी दे देगी। क्या बात कर रहा है यार? अरे कसम से कह रहा हूँ, परसों ही तो 100 रुपए हिजड़ों को और गरीबों में दान दिया है, उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। और बाजू वाली है ना तुम्हारे बाजू वाली, वो भी बहुत अच्छी है, अंदर की बात है वो भी देती है। हाँ जय जय। अरे जगन तू? जय राजा अंदर है यार लॉकअप में। हाँ बिड़ू अपन सीधा लॉकअप से छुटा है यार। क्या? रात को पुलिस ने राजा को कुत्ते की तरह तोड़ा है यार, कल 11 बजे से कोर्ट ले जा रहे हैं। प्लीज कुछ कर यार। ठीक है गेंडा तू फटाफट वकील को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच, आज किसी भी हालत में राजा को जामीन पर छुड़ाना है। अच्छा राजा, तुझे मालूम नहीं दोस्त
आज अखा दिन साले खेल रहे थे छोकरे गाड़ी में भर भर के अपने एरिया में राउंड मार रहे थे यार। ये साला खर्रार अपने आप को समझता क्या है, गुंडों और चमचों के बल पे बहुत नाचता है। जब इतना ही लफड़ा किया तो थोड़ा और सही। चल निकलते हैं। ए चल हथियार निकाल, आज फैसला कर ही चलते। अरे टीना तुम? तू टीना से नहीं मिलेगा। अरे हाथ छोड़ यार। मैंने कहा तू टीना से नहीं मिलेगा। रजा क्या हो गया तुझे यार, जरा आहिस्ता बात कर यार। साला एक दिन तू इस लड़की के चक्कर में पड़ के बर्बाद होगा। रजा टीना, टीना टीना मेरी बात तो सुनो टीना। टीना हो गया ना खुश? चाहे तू समझने की कोशिश कर जाए। अरे क्या खाक समझू, चल तू समझा। टीना का मुझसे मिलना तुझे क्यों नहीं पसंद, आखिर उसमें क्या खराबी है बोल। जय तू समझने की कोशिश क्यों? अरे तू क्या बोलेगा रे, मैं बोलता हूँ मैं। सुन सुन सुन, तू हम दोनों से जलता है, जलता है तू। क्या मैं जलता तुझसे? हाँ तुझसे मैं जलता हूँ। हाँ मैं जलता तुझसे। हाँ बस कर जाए, बस कर। हाँ तू कैसा लगा के मेरा हाथ उठा, बस कर तू, मुझे बस कर जाए, चुप हो जा, बंद कर तेरी बकवास, बंद कर, बंद कर, खलास दोस्ती, बस कर खलास दोस्ती, चलता है तू, मुझे मारेगा, खलास दोस्ती। अरे यार जगह का बात कर रहे लाए तू, खेरनार को जगह का कमी है क्या? पूरा एरिया खेरनार का है, मगर यहाँ चैलेंज वाला बात हो गया है। एक बचकुंडा खेरनार को चैलेंज करेगा, एक बचकुंडा बोलेगा कि मंदिर के सामने दारू का अड्डा नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। अभी तो उधर दारू का अड्डा बंद कर रहेगा। अरे बस कर क्या भरते जा रहे लिए, मारने का विचार है क्या? भक्का भक भरते जा रहे लिए उसके अंदर। तू तो अपन से बातिच मत कर, तू काय को आके एकदम खामोश बैठ गया है। तू कुछ बोल, कुछ अच्छा बुरा खबर दे भाई। एक बुरी खबर है बाबा, जय ने राजा को जमीन पर छुड़ा लिया है। बचकुंडे ने छुड़ाया, बहुत तुड़ रहे है, पर काटना पड़ेगा उसका। साथ में एक अच्छी खबर भी है, जय और राजा का आपस में झगड़ा हो चुका है, अब उनकी ताकत कमजोर हो चुकी है। सुना है राजा आजकल दारू पीकर गलियों में भटक रहा है। बाबा मैं तो कहता हूँ इस भटकते कुत्ते के गले में पट्टा डाल दो, पाल लो उसे। खेरनार शेर पालता है, कुत्ता नहीं पालता है, समझ में आता है कि नहीं? पर बाबा कुत्ते के गले में पट्टा बांध कर देखो, वो भी शेर हो जाएगा। अबे तेरे गले में पट्टा डाला, तू कौन सा शेर हो गया? बचकुंडे के हाथ से मार खा के चलाया। जा भाई जा, उसके गले में पट्टा डाल के देख आता है क्या। तुम? मैं जानती थी कि आप चौंक जाएंगे। कल रात जब मैं होटल से वापस आ रही थी तो रास्ते में आप मेरी गाड़ी से आ टकराए। एक तो रात का वक्त, दूसरे नशे की हालत में आपको अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझी। समझ में नहीं आता कि तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। उस रात तो मौका आपने भी नहीं दिया था। वैसे मेरा नाम बबूशा है और आप? राजा। अच्छा मुझे चलना चाहिए, थोड़ी देर और रुक जाइए मेरी खातिर। आज जिंदगी में पहली बार किसी से बातें करने को दिल चाह रहा है। दिल, चाहत, ये सब इंसानी जज्बात हैं। मेरी मानो तो भूल जाओ इसे। अगर तुम्हें दिल देकर पछताना भी पड़े तो मुझे मंजूर है। जानबूझकर आग से मत खेलो वरना जल जाओगी। घायल लगते हो। ये मेरा जाती मामला है। अरे आप तो सीरियस हो गए। खैर छोड़ो इन बातों को, ये जय कौन है? कल रात तुम्हें उसकी बहुत याद आ रही थी, लगता है गहरी दोस्ती है तुम दोनों में। थी, दोस्ती थी, लेकिन जो दोस्त एक लड़की के लिए अपने दोस्त से लड़े वो दोस्त नहीं होता। एक न एक दिन ये लड़की उससे ले डूबेगी। Yeah!
राजा को देखा क्या? नहीं देखा। अजीब आदमी है यार, सुबह से उसे कहां कहां नहीं ढूंढा, आखिर गया तो कहां गया होगा? असलम क्या देखा क्या? उधर से ही तो आ रहा हूं यार। तू खाली पीली टेंशन क्यों ले रहा है यार, उसे आना है तो आ जाएगा वो। अरे ऐसा मत बोल यार, राजापुर का दोस्त है यार, और दोस्ती में लफड़े झगड़े तो होते ही रहते हैं। हाँ अपने को टेंशन है तो खैरनार का यार, कहीं उसके छोकरे लोग उसको अकेला पाकर उस पर बार बार नहीं कर डाले। अरे मरता है तो मरने देना यार, उसने कौन सा तेरे साथ अच्छा किया? अगली बार ऐसा बात बोला ना तो समझ ले। जय जय। अरे ये अंदर की बात है, सुना है जय ने तुम्हारे साथ जो किया अच्छा नहीं किया, एक मामूली सी लड़की के लिए उसने दोस्ती छोड़ दी। वो खैरनार है ना, खैरनार, वो तुमसे दोस्ती करना चाहता है। हाँ आज ही सुबह उसका लड़का मेरे पास आया था, पर मैंने तो साफ इनकार कर दिया, वो तुमसे नहीं मिलेगा। पर मिलने में क्या जाता है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, वो कह रहा था कि दुश्मनी तो जैसे, और तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, और अंदर की बात तो ये है कि मैंने उसे यहाँ बुला रखा है। हाँ अरे काम हो जाएगा, दे देगा यार, पहले काम तो कर मेरा यार, काम से पहले पैसा मांग रहे ला है। खेनार सबको देता है, तेरे को भी देगा बोलना। हाँ हाँ चल आ राजा। तेरे बारे में सुनकर मेरे को बहुत अफसोस हुआ। ए, दो गिलास बिस्की जरा कड़क बना के लेके आ। पर अपुन खुश है कि तू अपुन के पास आया। देख राजा, ये गलियों में गुंडागर्दी करके तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। अपुन को देख, एकदम भक्कम इंग्लिश गाड़ियों में घूमता है, इंग्लिश गाड़ियों में। जबी तो लोग अपुन को इतना बड़ा गुंडा समझता है, तू भी इंग्लिश गाड़ियों में घूमेगा तो लोग तेरे को भी बड़ा गुंडा समझेगा। कुछ समझ में आ रही लाइक के नहीं? और ये सब कुछ तेरे को अपन दे सकता है खैरनार, अभी सोच विचार क्या कर रहे ला है? हा? इधर सोच विचार जास्ती नहीं करने का, यह बम्बई है, इधर चमत्कार को नमस्कार है, समझा के नहीं? ये अपुन का एरिया है, खास एरिया, सीक्रेट जगह बोलता है ना, इसी को बोलता है। इधर दाखले बाद तड़ी पार सब वांटेड काटने के लिए आता है। वो बोडिक जा रहा है, तीन को मछली पकड़ने जा रहा है, रात को बिस्किट का धंधा है, बिस्किट लेकर आएगा, समझा कि नहीं? चल इधर आ। वो देख भूरा 17 मर्डर किए लाए, अपुन के पास पलता है। वो देख निसार कालिया 10 रुपये के लिए अपनी माँ का मर्डर किए लाए, ऐसा ऐसा डेंजर लोग अपुन के पास पलता है। और वो देख दारू का भट्टी, देशी दारू का भट्टी, सड़ेले मेंढक का है, काजू का बोल के बेचेगा, पन तेरे लिए नहीं है, खेनार के साथ इंग्लिश पीने का, इसको हाथ भी नहीं लगाने का, ये सब तड़ी पर है, चला जा। वो जो एरिया दिख रहा है ना मालवनी, अपुन का एरिया है, अपुन का सारा आड़ा तेड़ा काम उधर ही चलता है, मालवनी के बाद गोरेगांव, उधर छोटा बड़ा क्लब मटके वटके का सब धंधा उधर ही चलता है, अपना बसायला बस्ती है, उधर का लोग अपुन को भगवान के सरीका मानता है, आ जा। हाँ तेरे को और भी कुछ बताता है। बाबा आज अपन को अंदर से टिप मिला है, शाम 4 बजे सलीम चिकना जेल से छूट रहा है। सलीम चिकना जानता है क्या? माइम का, ओइच माइम का, साले ने अपना छोकरा लोग पर फायरिंग किया, खेरनार से पंगा लिया, और ऊपर से बोरेला भार आकर सबसे पहला खेनार को टपकाएगा।
पर अपुन उसको घर तक पहुंचने देगा तब ना। राजा आज अपुन तेरा भी डेरिंग देख लेता है। चल बाबू। इधर आना। बोलो क्या चाहिए? एकदम ताजा माल है। क्या चाहिए? लौकी। लौकी चाहिए? लौकी तो नहीं है, मूली है, वो भी रुपए में एक। क्या रुपये का एक? ये तो चुबेट चुबेट। ये मूली है कि मूला? इतना बड़ा? इतना मोटा? तू अंदर जाके बर्तन ले क्या? कौन मैं क्या? जा अंदर बर्तन ले क्या? वो तो दिख रहा है। क्या? कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ ये लो। ये 20 रुपए लो। ये लो। पर बाबू 20 का छुट्टा नहीं है मेरे पास। मैं करवा लाऊं? तू चुप बैठ। कल दे देना। कल? 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 अच्छा ठीक है। कल भी अच्छा गोभी लाना है। हाँ, अरे हाथ लगाना। लगाता है ना। गोभी संभालना। क्या बात है, भाजी ले लो भाजी। ए बाबू तू बड़ा नटखट है। हेलो। पहुंच जाऊंगा। किसका फोन था? खैरनार का। राजा एक बात कहूं? ये खैरनार आदमी बहुत खतरनाक है। क्या जिंदगी को खतरे में डालकर
दौलत पाना जरूरी है। कभी मैं भी यही सोचता था, लेकिन आज जरूरी महसूस करता हूं, क्योंकि अब यह दौलत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गई है, और इसे पाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। जानती हो टीना, इस जगह को क्या कहते हैं? लवर्स पैराडाइज। यहां पर हर मोहब्बत करने वाले अपनी जिंदगी के सुनहरे सपने देखा करते हैं। लेकिन जय, हमारा सपना तो बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है। क्या? हाँ जय, मैंने आज ही डैडी से तुम्हारे बारे में बात की है। उन्हें मेरी पसंद पर कोई इतराज नहीं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, वो भी आज। मैं तुम्हें लेने आई हूँ जय। क्या, वो भी आज? लेकिन टीना। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अच्छा बाबा, चलूंगा बस। लेकिन टीना, तुम्हारे डैडी को मिलने से पहले मुझे तुमसे अपने बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। आज नहीं जय, बातें कहने और सुनने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। वैसे डैडी इंतजार कर रहे होंगे। चलो जय, चलो ना। पर टीना। डैडी, डैडी, जय। हेलो सर। आओ यंग मैन, आओ। अरे भाई, बहुत तारीफ सुनी थी तुम्हारी। हाँ। अरे मोहन, चाय लाना। आओ बेटे, बैठो। मेरा ये नौकर जरा ऊंचा सुनता है बेटे। आज खाना मंगाओ, परसों आएगा। नमक मंगाओ, मिर्च दे देगा। वैसे शुद्ध भारतीय खाना बहुत बढ़िया बनाता है। क्यों बेटे? अरे देसी चीजें तो वाह 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 वाह। फोन सर, फोन। ओह सॉरी। हेलो। अरे भाई भार्गव, छोटी मोटी पेमेंट के लिए मुझे घर पे मत डिस्टर्ब किया करो। कितनी बार कहा मैंने तुमसे, 5-10 लाख के चेक अगर मुझे साइन करने पड़े तो तुम्हारी क्या जरूरत है इडियट। हाँ बेटे, तुम्हारे डैडी कब हिंदुस्तान आ रहे हैं? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान 30 तारीख को आ रहे हैं वो। ओ 30 को। हाँ बाहर गए, ठहरो, बाद में बात करना इडियट। हाँ लेकिन बेटे, इस महीने की 30 को? अरे ये महीना क्या बात है सर? बेटे ये महीना फरवरी का है, इसमें 30 तारीख नहीं होती। मेरा मतलब इस महीने के आखिरी में। लेकिन बेटे जैसे वो आए, सबसे पहले मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि शादी ब्याह का मामला है, बड़ों से बातें की जाती हैं, बच्चों से नहीं। अच्छा सर, तो फिर मैं चलूं? अरे भाई इतनी जल्दी क्या है, वो चाय लेके आता होगा। सर चाय मैं बाद में पी लूंगा, वो क्या है डैडी अभी टोक्यो से फोन करने वाले हैं। अच्छा अच्छा बेटे, फिर ये जाने के लिए कह रहे, कैसे रोक लूं। ओके बेटे, गुड लक। थैंक यू डैडी। मैं नहीं छोड़ने जाऊं? आ जाओ बेटे, छोड़ आओ, जाओ। चाय उधार रही देखो बेटे। हाँ सर। हाँ याद रखना। अरे रुको बेटे, एक बार फिर याद दिला देता हूँ कि इस महीने की आखिरी तारीख, अपने डैडी को याद दिला देना। हाँ अकड़ के मत चलो बेटे, सीधा चलो मर्दों की तरह। गुड लक। क्या है डैडी? बेटे तुम्हारा ये कार्टून मुझे पसंद आया। भले दो दो से भले चार, चिकी चिकी चिकू चिकी चिकी चिकू, जो भी मिले यार सबसे कर ले प्यार, चिकी चिकी चिकू चिकी चिकी चिकू, एक से भले दो से भले चार, चिकी चिकी चिकू चिकी चिकी चिकू, जो भी मिले यार सबसे कर ले प्यार, चिकी चिकी चिकू चिकी चिकी चिकू। जीना है तो फिर मत डरो, प्यार से तुम सब कुछ करो। जीना है प्यार से तुम सब कुछ करो, एक से भले दो, दो से भले चार, चिकी चिकी चिकू चिकी चिकी चिकू, जो भी मिले यार सबसे कर ले प्यार, चिकी चिकी चिकू चिकी चिकी चिकू। जीना है तो फिर मत डरो, प्यार से तुम सब कुछ।
हम ये जिंदगी जिंदगी प्यार से है हम तुम प्यार से है अपनी हर खुशी हर खुशी प्यार के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं ओ, 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 प्यार से ये दुनिया है प्यार से जहां में ये जिंदगी जिंदगी बुरा मत सोचो बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत करो या 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 एक से भले तो दो से भले चार चिकी चिकी चिकू चिकी चिकी चिकू जो भी मिले यार सबसे कर ले प्यार चिकी चिकी चिकू चिकी चिकी चिकू जीना है दो फिर मत करो प्यार है तुम सब कुछ करो नहीं बिल्कुल नहीं कभी नहीं आ, अरे अभी हमारी शादी नहीं हुई अभी से बाप बना रहे हमको आ, नहीं नहीं बोल दिया ना जाओ कोई और बाप ढूंढो अपने लिए चलो हट हट मामा मान भी जाओ उसकी जिंदगी का सवाल है ए, जिंदगी का सवाल है अरे ये क्या हमारी उम्र है बाप बनने की चंदनबंदी की बात होती तो हम मान भी जाते क्यों बराबर है क्यों ये मामा तू नहीं मानेगा हरगिज नहीं मानेगा देख कल फोड़ डालूंगा मैं हां फोड़ के बता फोड़ू क्या तेरी जात सीरियसली फोड़ रहा है क्या मैं बन जाऊंगा बाप क्या मैं तेरी माँ भी बन जाऊंगा अरे सलाम करो सलाम करो गुड मैन वाकई बड़े मजाक किया है आप बैठो बैठो बड़ी खुशी आपसे मिलकर आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आप करोड़पति आदमी हैं पहचान गए इनका मतलब यह है कि आप इतने बड़े रईस होते हुए भी इतने सिंपल और साधारण किस्म के आदमी हैं मैं समझ गया था इनका मतलब सर आपका फोन है सर आपका फोन से कैदम नहीं है घर पे सर लंदन से लंदन से हेलो लंदन ए मामा कोई गड़बड़ ना है कोई शानपति नहीं मांगता क्या हाँ हाँ बोल देंगे ठीक है बोल देंगे 50 लाख हमारे स्विस बैंक में जमा करवा देना और वो टोक्यो में खबर कर देना चुंगली आने वाला है ना वो हमको फोन करे हाँ ओके आए सरक आई एम सॉरी सर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो जाओ मुंह मीठा करना है जी साहब जाओ कोठारी साहब जी हमें आपकी बेटी टीना बहुत पसंद आई तो फिर भाई साहब कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के इनकी शादी करवा दीजिए अजी साहब आपने हमारे मुंह की बात छीन ली अच्छा तो बस अब इजाजत दीजिए जी ऐसे कैसे मुंह मीठा करके तो जाइए अरे कोई है ये इतनी सी मिठाई सर ये तो मेरी तरफ से है सर आपके तो लोग ला रहे हैं हाँ हमारे लोग ला रहे हैं जी ये लीजिए इसका दिल रख लीजिए भाई साहब आप जानते हैं प्रसाद तो इतना भी बहुत अजी मुंह मीठा कीजिए लीजिए पहले आप अजी पहले आप साहब लीजिए आप अब आप इसरार करते हैं तो ठीक है लो बेटे लो तुम भी लो बेटे जय कहाँ अपन को नहीं मालूम कहाँ है जय नहीं मालूम अपन को बोल
नहीं मालूम बोला ना? नहीं बताएगा। जय कहाँ है? नहीं मालूम अपन को। बोल कहाँ है जय? एक राजा नड़िंग नहीं मानता। जय कहाँ है? नड़िंग नहीं मानता राजा। बोल कहाँ है जय? राजा जय कहाँ है अपने साथ? सीधी तरह बता दे जय कहाँ है? देख ले तो। बोल जय कहाँ है? नड़िंग नहीं मानता अपने साथ बोला ना? बता जय कहाँ है? राजा तू बता जय कहाँ है? बता बोल जय कहाँ है? बोल देना जय को कि इस जगह पर कब्जा सिर्फ उसका नहीं राजा का भी है। राजा राजा तू इन्हें मारेगा? अपने दोस्तों को मार रहा है तू? क्या हो गया तुझे? तू खैरनार के साथ मिल गया? अपने दुश्मन का साथ देगा तू? राजा सिर्फ उसका साथ देता है जो उसे दौलत देता है। नहीं राजा नहीं, तू भटक गया राजा। खैरनार का भरोसा कभी मत करना, कभी मत करना मेरे भाई। अपनी नसीहत अपने पास रख और सुन, मैं ये जगह खैरनार को तोहफे में देने वाला हूं, अगर हिम्मत हो तो रोक लेना। राजा राजा रुक जा राजा, राजा वापस आ जा यार। सो मुझे इसी वक्त खैरनार की फाइल चाहिए। लेकिन सर उस फाइल में कोई ठोस सबूत नहीं है। यही तो देखना है कि इस केस का इंचार्ज होने के बावजूद तुमने क्या किया। तुम्हारे बारे में इतना कुछ जान चुका हूं, अगर चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूं। नहीं सर ऐसा मत कीजिए, मुझे सस्पेंड मत कीजिए, मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, सिर्फ एक दिन की। मैं आपको खैरनार के खिलाफ फाइल बनाकर दूंगा और सारे ठोस सबूतों के साथ। प्लीज सर एक दिन की मोहलत। ठीक है मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूं। थैंक यू सर। बहुत सूट बूट में घूम रहे लाय बात क्या है? तेरा बहुत कंप्लेंट है, सुना है तू रात रात भर विकास के साथ पीले हाउस पे घूमता रहता है। फिर कुछ होएगा तो मेरे को नहीं बोलना। कुछ नहीं होगा बा, अपन पूरी तैयारी के साथ घूमता है, पूरे बंदोबस्त के साथ। अबे तेरा बंदोबस्त हो जाएगा फिर नहीं बोलना। बहुत बुरी खबर है। तू तो बुरी खबर लेके आता है, चल आगे बढ़। ये रायकर सीबीआई के दबाव में आकर आपकी फाइल तैयार कर रहा है और अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में आपसे गद्दारी कर रहा है, और कल किसी भी वक्त वो सीबीआई को आपकी फाइल पहुंचा देगा। रायकर कुत्ता हड्डी खाते खाते घास खाना शुरू कर दिया। अब तक तो पुलिस से गद्दारी की, बच गया, मगर खैरनार से गद्दारी उसको बहुत भारी पड़ेगी। जरा चल अपुन उसका फाइल भी तो देख ले। वे मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ, घर बैठे नमाज पढ़ती हूँ, इंसान से भगवान ना बन जाऊँ इसलिए थोड़ा पाप करती हूँ। वेरी वाह 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 वाह। बो बैठ जा बैठ जा, बच्ची बहुत अच्छी कविता बोल लेती है। कविता तो अच्छी थी लेकिन कविता की वो लाइन के इंसान से कहीं भगवान ना बन जाऊं इसलिए जरा पाप करती हूं। मस्त है एकदम रायकार। अरे भाभी कुछ चावा पिलाओगी के नहीं? अरे तुम्हारा भाई आयला है, जरा शक्कर कम और मलाई मार के अभी लाई। अरे लेके आ। हाँ रायकर बहुत अच्छा छोकरी है, बहुत अच्छा छोकरी है। बहुत प्यारी बच्ची है। और बेटा और कुछ शेरो शायरी और कुछ? तैरना हो तो बीच में आओ, किनारों पे क्या रखा है, मोहब्बत करनी है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा है। अरे क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे अपुन तो एकदम फिदा हो गया है, एकदम फिदा हो गया है। बहुत अच्छा बच्ची है, बहुत अच्छा बच्ची है। रमिया कुछ चॉकलेट वॉकलेट देगा क्या? ऐसा खड़ा रहेगा यार। रायकर तू है किधर भाई? मेरा बाप है किधर? 15 दिन हुए कुछ अता पता नहीं।
आया भी नहीं, कुछ दारू वारू भी नहीं हुआ अपने साथ, हाँ किधर है किधर, कुछ नाराजगी है क्या? अरे कुछ भी तकलीफ होएगा तो अपने को बोलने का यार, 10 बार बोला है तेरे को मैंने, हाँ पर तेरा बच्ची एकदम फर्स्ट क्लास है यार, बहुत मासूम बच्ची है। तेरा नाम क्या है? किम। किम किम रायकर मानना पड़ेगा, नाम भी एकदम भक्कम चुन के रखे लाए। आगे मत बढ़ना। अच्छा तू बा को मारेगा, खेनर को मारेगा, अपना टुकड़ा खाकर अपन को खड्डे में उतार रहे ला तू, और सुनाए तू मेरा फाइल बना रहे ला, बना बना बना, लेकिन मैं तेरे को बनाने देगा तब ना। रमिया जा जरा बच्ची को लेके आ। तो हिरनार मुर्गे को रोज दाना खिलाता है, मगर जब मुर्गा मुंह फेरता है तो उसका तंदूरी बना देता है। यादव सर, मुझे पूरा शक है कि रायकर मर्डर केस में खेरनार का हाथ है। हमें अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला सर, छानबीन जारी है, जल्द ही कुछ ना कुछ हाथ लग जाएगा। बाबा माफ कर दो बाबा, बाबा माफ कर दो। दारू चुरा चुरा के पीता है, दो दिन से किधर गायब था बाबा, तेरा माँ का शादी था क्या? चल 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 इससे काम कराओ, 10 दिन तक पैसा नहीं देना इसको, दारू चुरा के पीता। रमिया जरा ध्यान रखना इसका। बाबा रायकर का खून हो गया। क्या? कल कुछ लोग उसके घर में घुसकर उसका और उसकी बीवी का खून कर दिया। एकदम ही खल्लास कर दिए क्या? हाँ जगह पर। अफसोस, बहुत अफसोस हुआ, अपना आदमी जाता है तो अफसोस होता है। खैर छोड़, हो गया तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, मगर मैं सुना है तू डोंगर बस्ती का जगह अपुन को तोहफे में देने वाला है। आ बाबा। बाबा जगह पर तो कब्जा हो जाएगा, लेकिन जय चुप बैठने वाला नहीं। रमिया ठीक कह रहा है बाबा, सुना है जय की शादी किसी करोड़पति की बेटी से तय हो चुकी है, और अगर उसकी शादी हो गई तो दौलत उसकी बड़ी ताकत बन सकती है। तो सोच विचार क्या कर रहे ले, तबका डालो उसको। नहीं बाबा कोई फायदा नहीं है, ना तो जैसे हमें कोई खतरा है और ना ही हमारे काम के लिए कोई रुकावट बन रहा है, और बाबा वो तो एक चूटी है, जब चाहे मसल सकते हैं। वैसे तू ठीक बोल रहे ला है, मगर कभी कभी चूटी हाथी को भी भारी पड़ जाती है। अच्छा बाबा चलता हूँ, किसी से मिलना है। हाँ मेरे को मालूम है तेरे को किससे मिलने का है, जा जा मजा कर जा। पर बाबा जय, फिकर मत कर, अपुन के पास दूसरा रास्ता भी है, बचकुंडा शादी कर रहे ला है। हेलो, जिस लड़के को तुम अपना दामाद बनाने जा रहे हो, दरअसल वो एक करोड़पति बाप का बेटा नहीं है, डोंगर बस्ती में रहने वाला एक मामूली तड़ीपार टपोरी है। अगर यकीन ना आए तो अपनी आंखों से खुद जाकर देख लो। आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा हमदर्द राजा। राजा कौन? राजा हेलो हेलो
हेलो अंकल। आओ जय, बहुत सही वक्त पर आ गए तुम। हाय टीना। हाय। ये डूंगर बस्ती कहाँ है जानते हो तुम? डूंगर बस्ती? नहीं, पहली बार नाम सुना है। करोड़पति बाप के बेटे हो ना, इन बस्तियों से तुम्हारा क्या लेना देना? और वो मोटा तुम्हारे बाप है ना, कहाँ गया आजकल वो? जी, वो लॉस एंजलिस गए हुए हैं। शट अप! बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना तुम्हारा बाप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, कभी टोक्यो, जापान, लंदन। आउट, आई से गेट आउट। डैडी, ये क्या हुआ आपको? तुम नहीं जानती बेटी, इसने तुम्हें कितना बड़ा धोखा दिया है। ये डोंगर बस्ती का रहने वाला मामूली सड़क छाप आदमी है, तुमसे मोहब्बत का ढोंग रचाकर इसने हमारी दौलत हड़प करना चाहिए। वो तो भला उस राजा नाम के आदमी का, जिसने मुझे टेलीफोन पर सब कुछ बता दिया, वरना अच्छी नहीं दी। अरे ग्लास ला। सुनने यार ज़्यादा नहीं पीते। चुप। अरे जय। आय जय। अरे पूरी बोतल दे। पूरी क्या यार जय, तू कमाल कर रहा है। जय बीड़ी पिए। अगेन क्या? Thank you.
यार पता नहीं जय को क्या हो गया था। दारू गड्ढे में ऐसे कभी नहीं किया था। हाँ बोतल मारे ऐसे पे उसके बेचारे ने क्यों किया यार? कुछ समझ में नहीं आ क्या जय 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 तेरी आंखों में आंसू तू तू रो रहा है जय तू तू रो रहा है बात क्या जय माँ याद आ रही है मुझे आज आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है दोस्त वो देख उस बच्चे को देख गरीब है भिखारी है पर इसके पास माँ है बाकी ममता है सब कुछ है इसके पास पर सलापुन के पास क्या है क्या अपुन के पास कुछ नहीं अरे लावारसों की तरह मैं इस बस्ती में घूमता जय जय आज पहली बार तेरी आवाज में इतना दर्द सुना रे हाँ चलो उठ मत रो उठ जय जय आज के पहले तूने अपने माँ बाप के बारे में कभी जिक्र नहीं किया कि वो कहाँ हैं कैसे हैं नहीं रहे अब वो इस दुनिया में नहीं रहे मार डाला बहुत बेदर्दी से मार डाला उन्हें मैं उस वक्त 5 साल का एक मासूम बच्चा था वो लोग कौन थे मैं नहीं जानता कुछ नहीं जानता हिम्मत रुक जाए सब ठीक हो जाएगा बेटा सब ठीक हो जाएगा साहब खाना लगा दूं टीना मैम साहब ने खा लिया उन्हें भूख नहीं है कहाँ है वो अपने कमरे में सो रही हैं ठीक है तुम जाओ जी बेटे टीना बेटे मैं तुम्हारा मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरह समझता हूं बेटी लेकिन लेकिन मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया प्लीज डैडी मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए जय क्या हुआ ए क्या हुआ रे किसने मारा तेरे को बोल कर किसने मारा राजा ने मारा तेरे को साला उस दिन उसको छोड़ दिया था पर आज नहीं छोड़ेगा साले को ए तू उसको संभाल रे चल गेंडिया आज हिसाब किताब कहीं डालते दया तो सिर्फ खरनार सेठ ही कर सकता है क्या चल निकल चले 3 अंडे की भुर्जी और 2 प्लेट कीमा फटाफट ले आ राजा नहीं रम्या है आ इससे पूछता है राजा का है चल दया तो खैरनार सेठ ही कर सकता है अगर उसका दिल आ जाए तो इसको हाथ
बस बस चल बस बस नहीं रम्या, बस नहीं, याद कर, याद कर, याद कर रम्या, 15 साल पहले की वो तूफानी रात, रिगल सिनेमा के फुटपाथ पर एक मजबूर आदमी का खून, एक बेबस औरत और एक मासूम बच्चे की तड़प, याद कर रम्या, याद कर। बता मेरे बाप का कातिल कौन है, बता 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 तो खैर खैरनार। ए रम्या, ए रम्या, अरे किसने मारा तेरे को, अरे पन कुछ बोलेगा भी कि नहीं, किसने मारा तेरे को? ए रम्या, मरना नहीं रम्या, एक पचकुंडे के हाथ से नहीं मरना, एक हेरनार का इज्जत का सवाल है, मरना नहीं, बापुन के हाथ से, मरद के हाथ से मार। ए रम्या, सूरज सूरज अपना रमिया गया, समझा के नहीं, अपना रमिया गया। आओ, ये रहा अपना नया घर, कैसा लगा? बहुत अच्छा है राजा, आज मेरे कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है और आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए मैं डांस छोड़ रही हूँ। चलो ये तुमने बहुत अच्छा किया, पर राजा मैं ये शहर छोड़कर बहुत दूर जाना चाहती हूँ, बहुत दूर। क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? आज मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहती हूँ राजा, ना मत कहना, सारी जिंदगी मैंने दुखों का सामना किया है और आज ये खुशी मैं खोना नहीं चाहती। क्या हुआ बबूषा, कुछ बताओ तो। मैं तुमसे शादी करने को नहीं, लेकिन ये बच्चा मैं इसे कहीं दूर ले जाकर जन्म दूंगी और इस बच्चे के सारे जीऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, कल हम मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। भावा, ये राजा आजकल उस लड़की के कुछ ज्यादा ही करीब हो गया है, ये रमिया तो हमेशा के लिए गया और अब राजा का भी कोई भरोसा नहीं है, ये डांसर उसको लेकर एक दिन जरूर उड़ जाएगी। लेके उड़ जाएगी, बचेगी तभी ना, रमिया के बाद राजा चप्पन का खास छोकरा है, दाहिना हाथ, खेरनार का हाथ काटने वाले का खेरनार गला काट देता है। कुछ समझा कि नहीं? समझा। कि ये भी समझाऊं मैं तेरे को? जय, ये क्या है जय? टीना तुम? मैंने तो तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहा, लेकिन तुम ही 2 कदम चलकर पीछे हट गए, एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। गरीब होना कोई पाप नहीं जय, कोई पाप नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर कोई गरीब एक मुजरिम बन जाए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा जय, छोड़ दो ये सब कुछ, छोड़ दो। छोड़ दूंगा टीना, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे सीने में जो आग जल रही है उसे बुझाने के बाद। जय, जय। उसे मत रोको, जाने दो उसे, और फिर अब वो अकेला नहीं, मैं उसके साथ हूं।
मैं फिदा। देखा मेरी जान मेरा दिल गया, नींद गई चैन गया, दिल का करार गया। मेरी नजर के लाखों इशारे दुनिया जाने या ना जाने, बस एक तू है, तू ही तू है, होठों पे तेरे तराने। हे बाबूशाह ओ माय डार्लिंग, यू आर ब्यूटीफुल एंड सो चार्मिंग। मेरी जवानी ओ दिल पर जानी, तुझ पे हुई है दीवानी। रहना अकेले बाहों में ले ले, होगी तेरी मेहरबानी। जब से तुझे देखा मेरी जान मेरा दिल गया, नींद गई चैन गया, दिल का करार गया। मेरी जवानी ओ दिल पर जानी, तुझ पे हुई है दीवानी। रहना अकेले बाहों में ले ले, होगी तेरी मेहरबानी। ए बाबूशाह ओ माय डार्लिंग, यू आर ब्यूटीफुल एंड सो चार्मिंग। मैं फिदा। तुझे देखा मेरी जान मेरा दिल गया, नींद गई चैन गया, दिल का करार गया। हर कोई चाहे मुझको ही पाना, हर दिल का मैं हूँ निशाना, पर दिल ये मेरा तुझ पे फिदा है, आ भी जाओ जाने जाना। बाबूशाह ओ माय डार्लिंग, यू आर ब्यूटीफुल एंड सो चार्मिंग। ए ढोल बजा बजा, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। यही तो अपने को चाहिए था। बजे बजे
याद कर ऊपर वाले को खैरनार, याद कर, तेरा वक्त अब पूरा हो गया है, क्योंकि आज मैं तेरा मौत से परिचय करा दूंगा। ए बचकुंडे, साला तेरे को बोला था ना हैंडबॉल से नहीं खेलने का, फुटबॉल खेल फुटबॉल। आजकल अपुन फुटबॉल से नहीं हैंडबॉल से खेलता है खैरनार, और आज अपुन तेरी जिंदगी से खेलने आया है। साला खैरनार की जगह परिच खैरनार का मौत का बात कर रहे ला। चाहूं तो मैं तुझे अभी इसी वक्त मार सकता हूं, मगर नहीं, मैं तो तुझे उस दिन मारूंगा जिस दिन सैटरडे नाइट होगी और तू फुल टाइट होगा। चल, आज अपुन देर को नहीं छोड़ेगा खैरनार, आज अपुन देर को नहीं छोड़ेगा। तू गया आज, आज तू गया काम से, छोड़ दे बोलता है, जा हो जाएगा। अरे सो गए क्या हुआ, तबीयत ठीक तो है? हे बबूशा, बबूशा, ओ बबूशा, अरे उठो तो। बबूशा, ओ बबूशा, तूने टीना को मुझसे अलग करना चाहा, अपुन ने बबूशा को तुझसे अलग कर दिया। जय, जय बाबा को उठाकर ले गया है। राजा कहाँ है? मालूम नहीं, राजा को बोल दो जल्दी जाकर। अच्छा क्या कर रहे ला तू? मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। अबे बचकुंडे, देख मेरे पास पता, मैं बहुत डेंजर है, तेरे को फाड़ डालेगा, छोड़ेगा नहीं, मेरे पास बहुत ताकत है। ये देख, देख रुक जा, बोलता है तेरे को, ये बचकुंडे, देख, चलो, मैं बोलता है, अबे देख, आज अपुन तेरे को नहीं छोड़ेगा खैरनार, बताना है, चल पी। पी खैरनार, आज अपन तेरे को पिलाता है, पी, आज अपन तेरे को तेरा इस बाल पिलाता है खैरनार, आज अपन तेरे को नहीं छोड़ेगा, पिला पिला के मारेगा खैरनार, पिला पिला कर, आज अपन तेरे को पिलाता है, पी, पी खैरनार, पी, आज तेरे को पिला पिला कर मारेगा, आज तेरे को नहीं छोड़ेगा। अबे काई के लिए, किसके लिए कर रहे ला? बताता है खैरनार, यही है वो रीगल टॉकीज, और यही वो फुटपाथ है, और यही वो पावबाजी की दुकान है, और यही पर तूने मेरे माँ बाप को मार डाला खैरनार। किस लिए? इसी इसी डबल रोटी के लिए, इसी डबल रोटी के लिए तूने मेरे माँ बाप को मार डाला, इसी डबल रोटी के लिए तूने मेरे माँ बाप को मार डाला। आज अपुन भी तेरे को ये डबल रोटी खाने के लिए नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा खैरनार, आज अपुन तेरे को नहीं छोड़ेगा। देख बोलता है, छोड़ दे अपन को। नहीं छोड़ूंगा खैरनार, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जब तक तेरे सीने में 6 गोली नहीं उतार दूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अपन को मारेगा तू, अपन को मारेगा, खैरनार को मारेगा तू। अब तेरा वक्त आ गया है खैरनार, 12 बजने को सिर्फ 20 सेकंड बाकी है। बजते ही सैटरडे नाइट होगी और तू फुल टाइट होगा खैरनार।
अरे को को कर कर अरे 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 के मार थारे लाए अबे सामने से काट में तो पीछे से काट ला तलवार दे नहीं बाबा तुम्हारे जान को खतरा है अबे तलवार दे नहीं तो तेरी जान को खतरा हो जाएगा पागल हो गया तू छोड़ दे बाबा अपने भाई की जान ले रहा है छोड़ दे तू मैं छोड़ दे तू समझता क्यों नहीं बाबूशाह का कातिल वो नहीं ये है ये आरामदादा बोल बोल हाँ राजा मैंने बाबा के कहने पर बाबूशाह का खून किया था और तू उसका साथ दे रहा है उस खैरनार का जिसने तेरे दोस्त जय के मां और बाप दोनों का कत्ल कर दिया उसका साथ दे रहा है तू राजा 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 ये तूने क्या कर दिया राजा ये तूने क्या कर दिया ये तो एक न एक दिन होना था दोस्त नहीं राजा नहीं नहीं राजा मामा ने सब कुछ बता दिया मुझे मैं नहीं चाहता था कि तू खैरनार का खून करके खुद भी एक मुजरिम बन जाए नहीं राजा याद याद है मैंने तुझसे कहा था कि हम दोनों शादी एक साथ करेंगे हाँ और तेरे लिए लड़की भी मैं ही ढूंढ लूंगा हाँ राजा याद है हाँ मैंने तो शादी कर ली दोस्त शादी किससे किससे कर ली राजा किससे शादी कर ली तूने तेरी दोस्ती से राजा राजा नहीं
शाम को मिलना है होटल में एक लड़की से, यारो मुझे बस आज बचा लो पैसों की कड़की से। किया इशारा रे उसने भी खिड़की से, यारो मुझे बस आज बचा लो पैसों की कड़की से। तिरछी बाकी नजर से उसने मुझको देखा, उसकी मेरी मिल गई देखो किस्मत की रेखा। तिरछी तिरछी बाकी नजर से उसने मुझको देखा, उसकी मेरी मिल गई देखो किस्मत की रेखा। तुम चाहो तो जम सकती है उसकी मेरी जोड़ी, अरे दूल्हा बन के चढ़ सकता हूँ मैं भी कोई घोड़ी। ओ, 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 किया इशारा रे उसने भी खिड़की से, यारो मुझे बस आज बचा लो पैसों की कड़की से। शाम को मिलना है होटल में एक लड़की से, यारो मुझे बस आज बचा लो पैसों की कड़की से। कितना दाना डाला तब मुर्गी पटी है, वरना कुकड़ू कुकड़ू करते रातें मेरी कटी है। कब से कितना दाना डाला तब मुर्गी पटी है, वरना कुकड़ू कुकड़ू करते रातें मेरी कटी है। हाय बड़ी मुश्किल से मिली है मुझको ये अमानत, फंस गया जो लफड़े में तो देना तुम जमानत। ओ, 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 इशारा रे उसने भी खिड़की से, यारो मुझे बस आज बचा लो पैसों की कड़की से। शाम को मिलना है होटल में एक लड़की से, यारो मुझे बस आज बचा लो पैसों की कड़की से।